सभी लोग सुंदर हैं एवरी वन इज ब्यूटिफुल ये एक स्टेटमेंट है जो पांच मिनट के लिए किसी को अच्छा तो फील करा सकता है पर क्या यह रियली really किसी को हेल्प करता है मुझे ऐसा नहीं लगता है जब भी आप बोल रहे हो कि एवरी वन इज ब्यूटिफुल तब वहां सेल्फ लव या सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात नहीं हो रही है वहाँ आप बोल रहे हो कि देखो ब्यूटीफुल होना तो ज़रूरी है चाहे आप सबको ही वो आ, लिस्ट में डाल रहे हो ऑफ ब्यूटी आप फिर भी बोल रहे हो ब्यूटीफुल होना तो ज़रूरी है एज इफ जैसे जब तक कोई खुद को ब्यूटीफुल नहीं मानता तब तक वो खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते या खुद से प्यार ही नहीं कर सकते हमें उतनी ही ज़ोर से बोलना चाहिए कि यार लुक्स को इतना भाव मत दो लोग चाहते हैं कि मैगजीन्स एडवर्ट्स मीडिया हर जगह ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो ऑफ वो लोग जो यू नो सोसाइटी के यूजुअल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होते हैं शायद वो एक ऐसी चीज़ है जो कुछ लोगों को सेल्फ एक्सेप्टेंस के पाथ पे डालने के लिए यू you नो know, थोड़ा उनके लिए आसान हो जाएगा बट आई थिंक एक्चुअल पर्सनल ग्रोथ तब है जब आप देखो वो ओवरली रिटच्ड वे टू परफेक्ट टू बी ट्रू वाली इमेज एंड फिर भी आप uh, खुद को जज ना करो फिर भी आप एक कंपैरिजन वहाँ ड्रॉ करने की कोशिश ना करो बिकॉज यू आर दैट हैप्पी एंड कंटेंट विद जस्ट योर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ही गलत हैं हमें वो ही चेंज कर देने चाहिए ट्रेंड्स और फैट्स तो आते जाते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो हम बरसों बरसों से फॉलो कर रहे हैं एंड द पीपल हु से दैट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स चेंज होने चाहिए वो लोग खुद भी इन्हें सबकॉन्शियसली फॉलो करते हैं आप जब मेकअप लगाते हो कॉन्टोरिंग करते हो तो उसका रीज़न क्या है वेन यू कॉन्टोर योर फेस आप ज़्यादा स्लिम दिखते हो और आपके चीक बोन्स हाई दिखते हैं जब आप एक एम्पायर लाइन की ड्रेस खरीदो या हाई वेस्ट पैंट्स खरीदो तो वो क्यों क्यों यू पिक दोज थिंग्स अप वेरी फास्ट बिकॉज इट मेक्स यू लुक स्लिमर इट मेक्स यू लुक टॉलर लीनर पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री का ये जॉब है टू क्रिएट सेवरल डिफरेंट एल्यूजनज इन देयर प्रोडक्ट्स ताकि वो आपकी बॉडी को एक सर्टन स्टैंडर्ड में फिट करके दिखाएं और हम सब उसमें बाय इन करते हैं हम सब उसको फॉलो करते हैं कॉन्शियसली और सब कॉन्शियसली आप ट्राई कर सकते हो दैट हाँ मुझे तो यू you नो know, पूरी सोसाइटी ही चेंज करनी है सबके आइडियाज़ ही चेंज करने हैं ब्यूटी के बारे में बट आई थिंक उससे किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बनने वाला अगर किसी को दूसरों के कॉम्प्लीमेंट से ही कॉन्फिडेंस मिलता है या दूसरे लोगों के वैलिडेशन के बाद ही वो खुद को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो जितना फास्ट यू नो वो सेल्फ एस्टीम बढ़ा है उतना ईजिली वो शैटर भी हो सकता है कपल ऑफ ईयर्स बैक मैं एक डेट पे थी जहाँ पे उस लड़के ने मुझे बोला you know, you look like just a मुझे एक प्रोग्रेसिव एजुकेटेड पर्सन ने बोला हुआ है इन द पास्ट कि अरे तो यूट्यूब तो वीडियोज़ बनाती है इंस्टाग्राम पर भी है कभी कभी छोटे कपड़े भी पहनती है फिर भी इतने कम फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स ऐसे सिचुएशन में वो एवरी वन इज़ ब्यूटिफुल वाली लाइन जरा भी काम नहीं आती है क्योंकि आपको पता है जो सामने वाला आपकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है वो इसमें बिलीव करता ही नहीं है अगर रियलिटी में आपने खुद को एक्सेप्ट किया है अगर एक्चुअली आप Uh, दूसरे अचीवमेंट्स और स्किल्स को इंपॉर्टेंस देते हो अपार्ट फ्राम लुक्स विच इज़ जस्ट समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद एन प्री मच के नॉट चेंज तभी जब ऐसी टाइप की इंसल्ट आपके सामने आए आप उन्हें ईजिल बेयर कर सकते हो और उन्हें ईजिली अवॉइड एंड इग्नोर कर सकते हो बिकॉज आई हैव बीन ऑन द अदर साइड ऑन द साइड जहाँ सोच के ओ एवरी वन इज़ ब्यूटिफुल मैं जाती थी बट स्टिल उससे कोई कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता था मुझे स्ट्रेच मार्क्स हैं मुझे स्कार्स हैं बहुत सारे ऑन माई बॉडी बिकॉज आई यूज टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड पंद्रह साल की उम्र में ही मैंने डिसाइड कर लिया था मैं तो बड़े होके ना सर्जरी करने वाली हूँ मैं मेरी मॉम का मेकअप चोरी करती थी चुपके से एंड uh, अगर कुछ भी यू नो ड्रेस टाइप पहनी होती थी आई यूज टू पुट मेकअप ऑन माई लेग्स बिकॉज आई वॉज सो अशेम्ड ऐसी और भी फालतू चीज़ें हैं जैसे हिप हिपडिप्स के बारे में कॉन्शियसनेस डार्कनीज ओ माई गॉड और नो आईब्रोज ऑन फ्लिक नो थाई गैप जिससे मैं और बहुत सारे दूसरे लोग भी कॉन्शियस हुए हैं अपने बॉडी को लेके ऑल दीज थिंग्स आर ब्यूटिफुल आप वो कितनी भी बार सुन लो आप वो अपने दिमाग में कितनी भी बार रिपीट कर लो ऐसी चीज़ों का एक्सेप्टेंस और ऐसी चीज़ों के बावजूद सेल्फ कॉन्फिडेंस आना इट्स जस्ट व्हेन आप ब्यूटी को लुक्स को फिजिकल अपेरेंस को Uh, एक स्मॉल नेग्लिजिबल पार्ट ऑफ योर लाइफ बनाओ ऐसा नहीं है दैट हम फिज़िकल अपीयरेंस को पूरी तरीके से ही इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज अगर आप किसी से मिलते हो किसी को देखते हो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू सी एंड ऑल्सो वी आर हार्ड वायर्ड दिस वे तो अगर फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए या हेलो इफेक्ट का फ़ायदा उठाने के लिए आपको कुछ चेंजेस लाने ही हैं इन द वे यू लुक तो हम उन चीज़ों पर वर्क कर सकते हैं देट आर यू नोट देट आर एक्चुअली पॉसिबल एंड देट आर गुड फॉर आस इन द लॉन्ग रन ड्रेसिंग स्टाइल प्रेजेंटेबिलिटी हेल्दी लाइफ स्टाइल जो आपको दे सके हेल्दी हेयर स्किन एंड बॉडी वर्किंग ऑन बॉडी लैंग्वेज वर्किंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स ये सारी चीज़ें हैं जो यू नो क्रीम लगाने से या मेकअप लगाने से या हेयर कलर करने से काफ़ी ज़्यादा टफ हैं बट They will actually help and they will actually be there in the long run. खुद के confidence के लिए अगर पूरी society को change करना आपके लिए necessary है, तो आप सिर्फ validation के खोज में हो, आप self love के खोज में नहीं हो। अपने वो traits, वो skills and वो achievements को priority दो, जिस जिस पे आपने work किया है, जिसको आपने build किया है over the years, और automatically looks एक छोटा सा part बन जाएंगे of your life. एनी वे दट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो मैंने ऐसे सिमलर वीडियोज़ पहले बनाए हैं ऐसी चीज़ों के बारे में पहले बात किया है बट आई जस्ट फील लाइक इतना इम्पॉर्टेंट है दैट इट नीड्स टू बी रिपीटेड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगैन बिकॉज आई हैव मेड सम वुमेन हु उनकी पूरी लाइफ ही ये है कि यू uh, नो you know, मैं आज कैसी दिख रही थी उस दिन कैसी दिख रही थी एंड यू नो इज़ दिस ड्रेस गुड इज़ दैट मेकअप स्टाइल गुड एंड ऑल ऑफ दैट एंड इट जस्ट कंज्यूम्स द होल लाइफ विच आई फील इज़ वेरी वेरी सैड आपकी क्या रिलेशनशिप है विद योर बॉडी विद योर फेस विद योर लुक्स एंड अगर आप हो कॉन्फिडेंट तो व्हाट इज योर सीक्रेट लेरोज नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो एंड बाय सी यू सू